हे गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके साथ न्यू अपडेट्स ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग शेयर करने वाले हैं। एक तो हम करने वाले हैं बात जो वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स एंड माइग्रेट्स के रिटर्न को लेकर है, और दूसरी है जो क्यूआर कोड सिस्टम था उसके रिगार्डिंग है, और इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल स्टार्ट करने के बारे में उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट है। एक दो और अपडेट्स हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि न्यू अपडेट्स ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो आज का फर्स्ट अपडेट है वो है प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो रिटर्न करवाएंगे, वेलकम बैक करेंगे, और स्किल्ड माइग्रेंट्स को और जो फुली वैक्सीनेटेड होंगे उनको वो ज़रूर ट्रैवल करवाएंगे। फर्स्टली प्रायोरिटी होगी जो ऑस्ट्रेलियंस की होगी, पहले ऑस्ट्रेलियंस को ही रिटर्न करवाएंगे, फिर स्टूडेंट्स एंड जो माइग्रेंट्स हैं फुली वैक्सीनेटेड होंगे उनको रिटर्न करवाएंगे। और जो सेकंड अपडेट है वो है फेडरल मिनिस्टर डैन तिहान जो नेक्स्ट वीक इंडिया के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है, वीक फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, ठीक है, उसमें वो डिस्कस करेंगे इंडिया में आकर ओवरसीज ट्रैवल के रिगार्डिंग, कि वो जल्दी से जल्दी क्रिसमस पर, ठीक है, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल है जो स्टार्ट कर सकें, इंडिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर पाएँ और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए ट्रैवल कर पाएँ। वो नेक्स्ट वीक मीटिंग होगी इंडिया में, देखना बनता है कि क्या होता है मीटिंग में। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो है इंडिया के पीएम कि यूएसए में स्कॉट मॉरिसन के साथ पीएम ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, 23 सितंबर को मीटिंग है। देखते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के ट्रैवल के रिगार्डिंग स्टार्ट करने के रिगार्डिंग कोई डिस्कस करते हैं। कुछ भी डिस्कस होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा उसके रिगार्डिंग। आज 23 सितंबर है, आज वो मीटिंग होगी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ, इंडियन पीएम की। और जो नेक्स्ट है वो है यूके के पीएम ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया को ट्रैवल बैन लिफ्ट कर देना चाहिए। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो ऑस्ट्रेलिया के जो क्यूआर कोड लिंक सिस्टम कह रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया ने सब एम्बेसीज को, सब कंट्री में जिस जिस कंट्री में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसीज हैं उनको उनका क्यूआर कोड लिंक वाला सिस्टम सेंड कर दिया है, ठीक है, जिसमें हमारा वैक्सीन का वो स्टेटस पता चला करेगा, जो भी ट्रैवल करेगा वो भी उन्होंने सब कंट्रीज में सब एम्बेसीज को सेंड कर दिया है। यही थे आज के कुछ न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि आपको न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग मिलती रहेगी।